हेलो एवरीवन, आई एम चंद्रमोहन पुंडीर। 30 डे ऑफ कोड चैलेंज की इस वीडियो सीरीज में आज हमारी डे 19 की वीडियो है। आज का टॉपिक है इंटरफेस, तो चलिए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह हमें यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव दिया गया है। टास्क का इनपुट फॉर्मेट कॉन्स्टेंट आउटपुट फॉर्मेट है और सैंपल इनपुट सैंपल आउटपुट दिया गया है और कुछ एक्सप्लेनेशन भी दी गई है हमारे जो क्वेश्चन करने वाले उसके रिगार्डिंग। तो पहले देखते हैं हम कि करना क्या है आज हमें। एडवांस्ड अर्थमेटिक इंटरफेस एंड द मेथड डिक्लेरेशन फॉर द एब्स्ट्रैक्ट डिवाइजर सम मेथड आर प्रोवाइडेड फॉर यू इन द एडिटर बिलो। तो मतलब हमें दो चीज दी गई है, एक इस नाम से इंटरफेस दिया गया है एडवांस अर्थमेटिक एंड दूसरा इसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट डिवाइजर मेथड दिया गया है। सो हमें करना क्या है, कंप्लीट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कैलकुलेटर क्लास। हमें एक कैलकुलेटर क्लास होगी उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करनी है विच इम्प्लीमेंट्स द एडवांस्ड अर्थमेटिक इंटरफेस। तो मतलब हमें एक कैलकुलेटर क्लास बनानी होगी और वो जो है किसको इम्प्लीमेंट करेगा, एडवांस अर्थमेटिक इंटरफेस जो ऑलरेडी दिया गया हमें कोड के अंदर। द इम्प्लीमेंटेशन फॉर द डिवाइजर सम मेथड्स मस्ट रिटर्न द सम ऑफ ऑल डिवाइजर ऑफ एन। मतलब जो हमारा डिवाइजर सम मेथड होगा ये क्या करेगा, मेथड मस्ट रिटर्न द सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स ऑफ एन। तो एन जो भी होगा हमारा, जो भी नंबर होगा उसके जितने भी डिवाइजर्स हैं उन सबका सम करके हमें रिटर्न कराना है। देखिए एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन में, द इंटीजर 6 इज इवनली डिविजिबल बाय 1 2 3 एंड 6। आवर डिवाइजर मेथड शुड रिटर्न द सम ऑफ दीज नंबर्स व्हिच इज, देखो मतलब देखो ये क्या है हमारे, दीज आर ऑल द डिवाइजर्स ऑफ 6। तो इन सबका सम मतलब ये सारे नंबर जो है 6 को कहीं ना कहीं डिवाइड करते हैं, तो हमें इन सबका सम रिटर्न कराना होगा 12। ऐसी कोई भी नंबर होता है उसके वो सारे नंबर्स जो उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, उन सबका सम हमें रिटर्न कराना होगा। तो इंटरफेस के बारे में आप ऑलरेडी जानते होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में पता होगा। तो चलिए कोडिंग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक इंटरफेस दिया गया है एडवांस अर्थमेटिक इंटरफेस। तो हमें क्या करना है, हमें क्लास बनानी है और क्लास का नाम क्या रखना है, हमें क्लास का नाम हमें रखना होगा कैलकुलेटर क्लास, ओके ये वाला। और ये कैलकुलेटर क्लास जो है इंप्लीमेंट करेगा हमारा अर्थमेटिक, एडवांस अर्थमेटिक इंटरफेस को। और एडवांस अर्थमेटिक के अंदर हमारे पास डिवाइजर सम नाम से एक मेथड है, तो हमें क्योंकि ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो मेथड होता है जिसकी बॉडी नहीं होती, मतलब उसकी इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइडेड नहीं होती हमारे इंटरफेस के अंदर, वहां पे सिर्फ हमारा उसका सिग्नेचर होता है, ठीक है। तो ये जो सिग्नेचर दिया गया इसके अकॉर्डिंग मुझे इसे इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो लेट्स प्रोवाइड इम्प्लीमेंटेशन टू दिस, लेट्स मेक इट पब्लिक। तो हमें इसमें करना क्या है कि हमें जो नंबर दिया गया होगा n, इस नंबर का हमें जितने भी डिवाइजर्स हैं उनका सम करना होगा। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से डिवाइजर्स हैं इसके, तो ठीक है। तो हमें डिवाइजर्स के लिए हम क्या करेंगे, फॉर लूप रन करेंगे। और उससे पहले हम एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं सम, जो कि इसमें हम स्टोर करा लेते हैं, जीरो से इनिशियलाइज करा लेते हैं इसे हम लोग, और एक फॉर लूप बनाएंगे हम लोग। फॉर लूप हम इसलिए बना रहे हैं ताकि मैं एन जो है मेरा, एन को मैं एक एक करके सभी नंबर से डिवाइड करके चेक करूंगा, जिस जिस नंबर से वो डिवाइड होगा उस नंबर को मैं अपने सम वेरिएबल के अंदर स्टोर करता जाऊंगा। तो इस तरीके से मेरे जितने भी डिवाइजर्स हैं उन सबका सम कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसको हम इनिशियलाइज करेंगे वन से, नॉट जीरो, वन से इनिशियलाइज करना है, ओके। एंड आई शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू एन, क्योंकि देखिए एन अगर सिक्स है तो सिक्स भी तो खुद को डिवाइड करता है कहीं ना कहीं, तो इसलिए हम उसको भी कंसिडर करके चलेंगे यहाँ पर। एंड देन आई प्लस प्लस, तो इसके बाद हमें सम प्लस इक्वल्स टू, तो मतलब एक एक करके हम जो भी नंबर डिवाइड होगा, ओके। तो हम चेक करेंगे इफ एन इज डिविजिबल, मतलब हम मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं जो कि डिवाइड करता है इसे, हम इसे एक एक करके डिवाइड करेंगे आई से, और इफ दिस इज इक्वल टू जीरो इट मीन्स ये डिवाइड करता है एन को, देखिए एन की वैल्यू, आई की वैल्यू वन होगी, फिर टू होगी, थ्री होगी, तो हर बार ये डिवाइड करके चेक करेगा। और जितने डिवाइड होने पर अगर हमारा रिमाइंडर जीरो आ रहा है, मतलब ये आ रहा है जीरो, ठीक है, ये देखिए रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए ऑपरेटर होता है हमारे पास ये, तो मतलब हम एन को जब भी डिवाइड करेंगे तो ये हमें उसका रिटर्न देता है, मतलब उसका रिमाइंडर रिटर्न करता है हमें। तो रिमाइंडर अगर जीरो है, रिमाइंडर जीरो का मतलब वो कम्प्लीटली उसे डिवाइड कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे, सम प्लस इक्वल्स टू, उसमें हम उस वैल्यू नंबर को ऐड कर देंगे, मतलब उस डिवाइजर को हम अपने सम में ऐड करते जाएंगे एक एक करके, तो हमारा टोटल सम निकल आएगा इस तरीके से। और उसके बाद ये मेथड जो है रिटर्न करेगा हमारा सम को। तो हमारा कोड हुआ कंप्लीट, चलिए इसे रन करके देख लेते हैं एक बार। सो कांग्रेचुलेशंस, इसे सबमिट कर देते हैं।
सो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारे सारे टेस्ट केसेस अच्छे से पास हुए। देखिए हमारी एक और वीडियो सीरीज पॉइंटर्स के ऊपर चल रही है, अगर आपको उस वीडियो सीरीज को देखना है और आपको भी अगर पॉइंटर्स से डर लगता है या फिर पॉइंटर्स में डाउट है तो आप ऊपर दिए गए, यहाँ पर आपको ऊपर एक मैसेज आ रहा होगा छोटा सा, आप उसमें जाकर अभी के अभी उस वीडियो सीरीज को देख सकते हैं और पॉइंटर्स का जो भी डर है सारा दूर कर सकते हैं अपना। आज के लिए हम इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।